आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपना फोन उठाओ, क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अगर इस क्वेश्चन में देखें तो ये क्वेश्चन बोल रहा है डीएनए प्रेसिपिटेशन आउट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स कैन बी अचीव्ड बाय ट्रीटमेंट विथ। तो इस क्वेश्चन के मतलब की बात करें तो ये बोल रहा है कि जो डीएनए की प्रेसिपिटेशन है वो बायोमोलिक्यूल के मिक्सचर से कैसे सेपरेट करा जाता है, कौन सी टेक्निक्स के थ्रू वो अचीव होता है हमारे को। तो इन्होंने चार ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे कि मिथेनॉल एट रूम टेम्परेचर, चिल्ड क्लोरोफॉर्म, आइसोप्रोपेनॉल और चिल्ड इथेनॉल। अगर हम इन चारों ऑप्शन से बात करें तो सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन हमारे पास होता है फोर्थ वाला, जिसे हम बोलते हैं चिल्ड इथेनॉल के थ्रू। चिल्ड इथेनॉल के थ्रू हम डीएनए को प्रेसिपिटेट कर सकते हैं एक बायोमोलिक्यूल्स के मिक्सचर से। अगर हम लोगों ने नाम सुना था जैसे कि स्पूलिंग प्रोसेस के, अगर हम बात करें स्पूलिंग प्रोसेस के थ्रू, तो ये वो वाली टेक्निक है जिसके थ्रू डीएनए प्रेसिपिटेट हो जाता है बायोमोलिक्यूल्स के रीजन से। क्योंकि हमको पता है ये स्पूलिंग प्रोसेस में ये रॉड को पिंड आउट करते हैं डीएनए के रैप से। तो जब ये रॉड पिंड आउट हो जाती है डीएनए रैप से, उसके बाद क्या होता है, जो ट्यूब है वो सक इट आउट कर लेती है और डीएनए के रीजन को सेपरेट कर देती है बायोमोलिक्यूल के रीजन से। फिर ये जो डीएनए होता है ये स्पूलिंग में कलेक्ट हो जाता है और एक लार्ज अमाउंट का हम बोल सकते हैं ये स्पूलिंग डीएनए के अमाउंट को कलेक्ट कर लेता है। इसके साथ साथ जो बायोमोलिक्यूल्स के पार्ट है वो एक नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और डीएनए एक्सट्रैक्शन हमारे को कंटिन्यू मिल जाता है, इसलिए हम इसे बोल सकते हैं। और ये सब कंडीशंस होती है विद दी इथेनॉल कंडीशन के अंदर, क्योंकि अगर हम आइसोप्रोपेनॉल रीजन लेंगे तो वो मिक्सिंग में काम कर देगा, इसी के अकॉर्डिंग अगर मिथेनॉल रूम टेम्परेचर पे लेंगे तो वो डैमेज कर देगा मीडिया को, ऐसे ही हम बोल सकते हैं इथेनॉल कंडीशन में। ऐसे कि हमको पता है इथेनॉल को भी हम एक ब्लैक कंटेनर में ही कैप्ट करके रखते हैं। क्लास 11 12 से लेके नीट के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप।